फिलहाल हम लोग पहुंच गए भोपाल और सनलाइट देखिए बहुत सुंदर। हेलो आप भी बोल दो। हाय। हम सब ने साथ में ट्रेवल किया। मेरी शकल कितनी गंदी हो रही है। तो फिलहाल अब हम पहुंच गए भोपाल में, लेना हमको सिटी बस और जाना है जय के पास। तो पहले तो सामान बहुत सारा, तो फोन रखेंगे अंदर और पहले सामान को देखेंगे, ब्लॉग का सूट बाद में करेंगे जब बस में बैठ जाएंगे। तो कभी चार चार सामान संभालने में थोड़ा सा फोन पे ध्यान नहीं जाता तो गिर जाता है, और ऑलरेडी मेरा फोन भोपाल में दो बार गिरा था, इसलिए अब रिस्क नहीं लेंगे। अब इसको बैग के अंदर रखेंगे और स्टेशन पर उतरेंगे, मिलेंगे घर पर। अच्छी है तुम्हारी शक्ल। तो गुड इवनिंग गाइस, और अब भी बज गए हैं शाम के 8 और जय बाबू कॉलेज से आके सो के उठ चुके हैं। तो जय हेलो बोल दो पहले। हेलो सबको, हेलो जय की तरफ से। और जय कॉलेज में था तब मैं यहाँ पर आई। जय का जो कॉलेज टाइमिंग है सुबह 9:00 से है, और मेरा जो ट्रेन था आज मुझे यहाँ पर मतलब एग्जैक्ट घर में 1 बजे आई। तो जय जा चुके थे कॉलेज, और ये कुछ ऐसा है जय के कमरे का हाल। ये जय ने रखी अपनी ब्रीफ केस और ये बैग, और ये जय का टेबल और जय के कपड़े जो मुझे कल धुलने हैं, ये सब जो टंगे हुए हैं गंदे कपड़े इसके। ठीक है, साफ़ सफाई ये गंदा मैंने कर दिया है, अभी बैग अनपैक किया था। तो बाकी कमरा ठीक रखा है बच्चे ने। और जय बताओ कैसा लग रहा तुमको, मम्मी आई तो कैसा लग रहा, मम्मी आई तो कैसा लग रहा? ठीक लग रहा है। और ये जय का बेड है, इसमें मुझे यहाँ सोना है, जय इधर सोएगा। नहीं आप नीचे सोओगी। मैं नीचे नहीं सोऊंगी। मैं यहीं खाना दोपहर में आया था, तो अभी तक वहाँ मेज में रखा हुआ, मैंने उसको अनपैक भी नहीं किया, मतलब मैंने खाना नहीं खाया, आके सीधे सो गई थी। और अभी चाय पी कर आए हैं, तो खाना मैं अपना यही वाला खाऊंगी, जय जाएगा मैं इसमें खाना खाने। तो अगले 3 दिन मैं भोपाल में हूँ, और गुनगुन का अभी प्रैक्टिकल चल रहा है, तो उसके बाद वो भी आने वाली है। तो बस फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज है 10 जनवरी, यानी कि आज है 10 जनवरी, और इस हिसाब से अभी फ़िलहाल हूँ मैं भोपाल में। और भोपाल आपको पता ही चल गया होगा, मैंने शॉर्ट्स डाला थे एक, उसमें वेलकम टू भोपाल। और ये है मेरे पुत्र जी जो अभी सो कर उठे हैं, और अभी बज रहे हैं 2:12, और मैंने नहा लिया है। और नहाने के अलावा और देखती बताती हूँ मैंने क्या किया है। तो फिलहाल तो इससे कह रही हूँ कि उठ जाओ ब्रश कर लो, इन्होंने अपना नाश्ता स्किप किया है और अभी सीधे जाएंगे लंच के टाइम पे। तो बच्चे जब घर से बाहर रहते तो उनके खाने पीने का कोई तालमेल रहता नहीं है। कल इसके टेस्ट ख़त्म हुए थे, तो आज इसका छुट्टी है, तो ये पूरा दिन मेरे साथ रहने वाला है आज। यहाँ पर मैंने धुले हैं इसके 1 बकेट कपड़े, और ये बर्तन जो इनके 1 हफ्ते से इकट्ठे रखे थे, तो मैंने इनके बर्तन धुले और ये कपड़े। और यहाँ पर करी थोड़ी सी क्लीनिंग, और ली है अपनी ऑनलाइन क्लासेस। तो बस अब टाइम हो गया है ख़त्म, और इसके बाद शुरू करते हैं दूसरा काम। तो अभी फ़िलहाल तो चाय, बहुत मन है चाय पीने का। नहीं अब तो एक सुबह वाली चाय पी थी, अब एक नहाने के बाद वाली चाय पीनी है। तो हाँ, तो अभी जय कह रहा नहीं पीनी नहाने के बाद वाली चाय, अब सीधे खाना खाना है। तो जय ने अपना लंच मेस में ही खाया, और उसके बाद हम लोग निकल पड़े थोड़ा सा घूमने के हिसाब से। तो चूंकि मैंने अपना लंच नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर निकलते कुछ अच्छा दिखेगा तो खा लेंगे। तो ये जो एरिया है जय के रूम के पास वाला एरिया है, यहाँ आसपास सभी बड़े कॉलेज हैं, और लगभग बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस एरिया में रहते हैं। तो इस एरिया को भी उसी हिसाब से डेवलप किया गया है। तो यहाँ छोटी मोटी चाय की दुकानें और छोटे स्टॉल्स वगैरह लगे हैं खाने वाने के। तो यहाँ पर मैंने डोसा खाया, इसके बाद पकड़ी हमने बस और निकल पड़े। तो कहाँ जा रहे हैं इसके लिए तो आपको ब्लॉग कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो स्टे ट्यून्ड।